माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 2022-23 के लिए 1,77,255.99 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव कर रहा हूं, जो संशोधित अनुमान 21-22 के 1,53,354.44 करोड़ रुपए से 15.6% की वृद्धि है। इस बजट परिव्यय में 61,57.36 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय और 1,16,198.63 करोड़ रुपए का राजस्व व्यय शामिल है, जो क्रमशः 34.4% और 65.6% है। पिछले कुछ वर्षों से कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का हिस्सा बढ़ा है, जबकि राजस्व व्यय के हिस्से में कमी आई है। बजट अनुमान 22-23 में कुल राजस्व प्राप्तियां 1,06,424.70 करोड़ रुपए प्रक्षेपित है, जिनमें 73,727.50 करोड़ रुपए का कर राजस्व, 12,205.36 करोड़ रुपए का गैर कर राजस्व, 8,925.98 करोड़ रुपए का केंद्रीय करों का हिस्सा और 11,565.86 करोड़ रुपए का सहायता अनुदान शामिल है। इसके अतिरिक्त पूंजीगत प्राप्तियां 5,393.89 करोड़ रुपए प्रक्षेपित है। मैंने इस वर्ष के बजट आवंटन का भी सतत विकास लक्ष्यों यानी SDG के साथ जोड़ा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1,77,255.99 करोड़ रुपए के कुल बजट में से राज्य में कार्यान्वित की जा रही SDG से संबंधित योजनाओं के लिए 1,14,444.77 करोड़ रुपए का आवंटित किए गए हैं, जिसका विवरण एक अलग दस्तावेज में दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 15वें केंद्रीय वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि वर्ष 21-22 के लिए वित्तीय घाटा GSDP के 4% के अंदर होना चाहिए। विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन से COVID-19 महामारी से उत्पन्न संकट के बावजूद हम बाजार की उधारी को लगभग 40,872 करोड़ रुपए की अनुमानित सीमा के समक्ष लगभग 30,820 करोड़ रुपए तक सीमित रखने में सक्षम रहे, जो परिणाम स्वरूप संशोधित अनुमान 21-22 में राजकोषीय घाटा GSDP का 2.99% रहने का अनुमान है। आगामी वित्त वर्ष 22-23 के लिए भी राजकोषीय घाटा 22-23 के बजट अनुमानों के अनुसार GSDP के 2.98% पर रहने का अनुमान है, जो 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित 3.5% की सीमा के अंदर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तरोत्तर केंद्रीय वित्त आयोगों द्वारा अनुशंसित राजकोषीय रोड मैप के अनुसार मजबूत वित्तीय प्रबंधन, राज्य के वित्त की अच्छी स्थिति बनाए रखने में क्रम से हमारी सरकार राजस्व घाटे में गिरावट की प्रवृत्ति को बनाए रखने में सफल रही है। वर्तमान वित्त वर्ष के लिए राजस्व घाटा संशोधित अनुमानों के अनुसार 1.4% पर बना हुआ है। बजट अनुमान 22-23 में GSDP के 0.98% तक और कम होने का अनुमान है। वर्ष 21-22 संशोधित अनुमान के लिए ऋण GSDP अनुमान को 24.98% रखकर कुल ऋण स्टॉक को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया गया है, जबकि 15वें वित्त आयोग द्वारा 32.6% की सीमा निर्धारित की गई है। आगामी वित्त वर्ष के लिए भी ऋण स्टॉक 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित GSDP के 33.3% की निर्धारित सीमा से काफी कम रहने की संभावना है। यह GSDP का 24.52% बजट अनुमान 22-23 है। माननीय अध्यक्ष महोदय,